दोस्तों, वैसे तो शादी एक ऐसा बंधन है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की 7 जन्मों के लिए एक रिश्ते में बंध जाते हैं। पर आजकल के ज़माने में शादी सिर्फ एक लड़का और एक लड़की के बीच नहीं होता है, बल्कि 2 परिवारों के बीच होता है। दोस्तों, आजकल के ज़माने में शादी ब्याह में तरह तरह के रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। पर क्या हो अगर शादी के इस खुशी के मौके पर एक ऐसा रीति रिवाज आ जाए जहाँ पर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 5 अजीबोगरीब रिवाज जो कि शादियों में किए जाते हैं, जिसे सुनकर आप सिर्फ दंग ही नहीं बल्कि आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शादी में होने वाले 5 ऐसे अजीबोगरीब रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे इससे अच्छा तो हम शादी ही ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपके साथ आयशा। दोस्तों, सबसे पहला रिवाज, जी हाँ, ये रिवाज हमारे भारत देश के ही एक पूर्वी क्षेत्र का है। जी दोस्तों, कहा जाता है कि इन राज्यों की शादी में एक देवर अपनी भाभी को डंडे से मारता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक लड़का अपनी भाभी को मारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस रिवाज में भाभी भी अपने देवर को मारती है, पर कोई भी दुल्हन हर किसी के सामने अपने देवर को जोर से तो मार नहीं सकती, पर रिवाज है कि देवर अपनी भाभी को काफी तेज तेज डंडे से मारता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा रिवाज, इस शादी को ही ले लीजिए। जी हाँ, बताया जाता है कि हमारे हिंदुस्तान की ही छोटी जाति के लोग जब विवाह करते हैं उस दौरान दुल्हन छत पे चढ़ के अपनी डिमांड करती है। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि ये दुल्हन छत पे चढ़ के अपना डिमांड करेगी और वो सारी डिमांड जब तक दूल्हा पूरा नहीं कर देता, दुल्हन छत से नीचे नहीं आएगी। दोस्तों, है ना ये अजीबोगरीब रिवाज। दोस्तों, अगर आपको भी किसी ऐसे अजीबोगरीब रिवाज के बारे में पता है तो हमारे साथ कमेंट में आकर शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना बिना डिसलाइक के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।